नमस्कार दोस्तों, फोन हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेश स्वराज है, मेरे पास ओप्पो F11 Pro अनबॉक्सिंग के लिए। वैसे तो F11 Pro मैंने केवल गैलेक्सी A50 के साथ कंपैरिजन के लिए ख़रीदा था, लेकिन अब जब फ़ोन आया है तो सोचा मैंने क्यों ना एक अनबॉक्सिंग भी बना दी जाए। तो यहाँ पीछे की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 6.53 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, PPI 397। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेगा हीलियो P70 प्रोसेसर, जहाँ 4 कोर आपको मिलते हैं 2.1 GHz की, जो कि बेस्ड हैं कोर्टेक्स A73 पर, और 4 कोर मिलती हैं आपको 2 GHz की, जो कि बेस्ड हैं कोर्टेक्स A53 पर। मान लीजिए 72 MP3 आपको यहाँ मिलता है GPU। इसके अलावा आपको यहाँ मिलता है 48+5 MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप, 48 MP का प्राइमरी कैमरा है जिसका अपर्चर साइज F1.8, और 16 MP का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज F2.0। 4000 mAh की बैटरी, वो 3.0 फास्ट चार्जिंग ये डिवाइस सपोर्ट करता है। ये डिवाइस आता है 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। प्राइस है 24,990 रुपये। कलर है मेरे पास ग्रीन अनबॉक्सिंग के लिए। तो चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं अपने ओप्पो F11 Pro को। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ये एक और बॉक्स, जिसके अंदर दिए गए हैं कुछ पेपर, सिम इजेक्टेड टूल, और ये आपका कवर। इसके बाद आता है अपना डिवाइस, जिसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ आपको मिलता है ये फास्ट चार्जर और USB 2 Micro USB केबल। फास्ट चार्जर की अगर आउटपुट रेटिंग की बात करें तो ये आता है 5 volt एंड 4 ampere की आउटपुट रेटिंग के साथ। तो यहाँ पर ये एक हेडफोन भी दिया गया है। तो चलिए वापस आते हैं अपने F11 Pro पर। तो ये है अपना Oppo F11 Pro, और ये है इसका बैक पैनल। वाकई एकदम अमेजिंग डिज़ाइन, कमाल का डिज़ाइन है। जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एकदम कमाल लग रहा है, और होल्ड करने पर लगता है कि वाकई आपने एक प्रीमियम डिवाइस अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है। भाई यहाँ किसी तरह का कोई इशू नहीं। प्लास्टिक यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ ही आता है, फ्रंट पर भी आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन ये कौन सा गोरिल्ला ग्लास है इसके बारे में कन्फर्म या श्योर नहीं हूँ। इसके अलावा बॉटम पार्ट भी आपको मिलता है 3.5 mm का हेडफोन जैक, माइक, माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट और मीडिया स्पीकर। लेफ्ट साइड पे आपको मिलते हैं वॉल्यूम कंट्रोल्स कीज। टॉप ऑफ फ्रंट पर आपको मिलता है नॉइज कैंसिलेशन माइक। इसके अलावा ये पॉपअप कैमरा सेल्फी का, और यहाँ पर ये दिया गया है IR ब्लास्टर। इसके अलावा यहाँ दिए गए पावर की, इसके अलावा सिम और मेमोरी कार्ड स्लॉट्स। यहाँ पर आप दोनों सिम और मेमोरी कार्ड एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट। तो या तो आप दोनों सिम यूज़ कर सकते हो, या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड। बैक साइड पे आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर, और यहाँ ये ओप्पो का लोगो। ओवरऑल डिज़ाइन एकदम अमेजिंग है, और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने F11 Pro के कुछ UI फीचर्स के बारे में। बात करें अगर अपने ओप्पो F11 Pro के UI फीचर्स की या ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ आपको मिलता है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन 6.0, जो कि एंड्रॉयड पाई यानी कि एंड्रॉयड 9 पर बेस्ड है। तो यहाँ एक लेटेस्ट UI आपको मिलता है, जो कि पुराने वाले कलर ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो ऐप स्प्लिट स्क्रीन, गेम स्पेस, क्लोन ऐप्स जैसे कि यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉक भी दिया गया है। तो एक बार ट्राई करते हैं दोनों की परफॉर्मेंस, कि कैसी है फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉकिंग की परफॉर्मेंस। तो यहाँ मैंने अपना फिंगरप्रिंट और फेस डाटा ऐड कर लिया है, अब एक बार ट्राई करते हैं कैसी है इनकी परफॉर्मेंस। सबसे पहले ट्राई करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर को। तो भाई एकदम अमेजिंग परफॉर्मेंस है फिंगरप्रिंट स्कैनर की, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। अब एक बार ट्राई करते हैं अपने फेस अनलॉकिंग सिस्टम को। तो यहां मैं प्रॉपर लाइट में हूं, और यहां मुझे किसी तरह का कोई इशू नजर नहीं आ रहा फेस अनलॉकिंग सिस्टम में, यानी कि दोनों ही चीजें एकदम अमेजिंग है। इसके अलावा बात करें अगर अवेलेबल रैम और स्टोरेज की, तो यहां पर मैंने ये एक एप्लीकेशन CPZ नाम का इंस्टॉल किया है, यही जानने के लिए। तो 64 GB में से आपको मिलेगा 49.6, लगभग 50 GB का स्टोरेज आपके पर्सनल यूज़ के लिए। और बात करें 6 GB की रैम में से तो बिना एक भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड पर यूज़ किए लगभग 3 GB की रैम फ्री है। इसके अलावा यह है आपका मेन मेन्यू, ऐप ड्रॉअर यहाँ पर दिया गया है। आप चाहो तो पुराने वाले कलर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह एक सिंगल पेज UI भी बना सकते हो। ये हैं कुछ प्री लोडेड एप्लीकेशन जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, जैसे कि अमेजन शॉपिंग, शेयर चैट, वेब नोबल, इसके अलावा न्यूज़ पॉइंट, डेली हंट, विंक म्यूजिक, पेटीएम, UC ब्राउज़र,
फेसबुक, कई सारे प्रीलोडेड एप्लीकेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा ये है आपका क्विक एक्सेस पैनल, जहाँ पर जरूरी जरूरी सारे शॉर्टकट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब, गूगल असिस्टेंट, इसके अलावा ओप्पो शेयर, नेट शील वगैरह। तो यही था इसके यूआई फीचर्स के बारे में। चलिए चलते हैं इसके कैमरे की ओर। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 एफपीएस पर। इसके अलावा क्रोमा बूस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है रियर और फ्रंट दोनों के लिए। इसके अलावा नाइट स्केप दिया गया है, ये मिलता है आपको लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। और ओप्पो का मानना है कि नाइट स्केप जब आप यूज़ करोगे तो आपको एकदम अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी लो लाइट में। इसके अलावा AI कैमरा दिया गया है और यहाँ पर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। ऑटो HDR भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यह है कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने ओप्पो F11 Pro से डे लाइट में कैप्चर किए हैं। रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे मुझे ठीक ठाक लगे, कोई इशू नजर नहीं आया। फ्रंट कैमरे का ब्यूटी इफेक्ट भी बढ़िया था। इसके अलावा रियर कैमरे में डिटेलिंग वगैरह भी अच्छी देखने को मिली थी। 48 मेगापिक्सल का मोड जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस यानी कि अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलती है। हालांकि 48 मेगापिक्सल का मोड जब आप यूज़ करते हो कैमरा का तो वहाँ पर HDR और AI सीन वगैरह काम नहीं करता है। बात करें अगर डिस्प्ले की तो यहाँ आपको मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले। अब यहाँ मिलता है आपको IPS डिस्प्ले तो कलर्स वगैरह आपको नेचुरल देखने को मिलेंगे और व्यू एंगल भी डिस्प्ले का मुझे ठीक ठाक लगा। रिजोल्यूशन अच्छा है, 392 PPI लगभग 400 है, तो किसी तरह का कोई इशू नहीं है। डिस्प्ले में ब्राइटनेस की बात करें तो वो भी एकदम कमाल की है। आउटडोर में आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी डिवाइस को यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नॉच पसंद नहीं है तो भी ये डिस्प्ले आपके एकदम काम का है। एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है इसका, तो सारी चीज़ें अमेजिंग है। डिस्प्ले में किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो पबजी जैसे गेम के लिए ये डिवाइस HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट सपोर्ट करता है। HDR ग्राफिक्स इसके अलावा एक्सट्रीम या अल्ट्रा फ्रेम रेट ये सपोर्ट नहीं करता है। HD ग्राफिक्स, हाई फ्रेम रेट और रियलिस्टिक स्टाइल पर जब ये मैंने गेम प्ले किया तो वहाँ मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। गेम एकदम बढ़िया चल रहा था, कोई लैग नहीं था, परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया देखने को मिली थी। तो दोस्तों यही था मेरा ओप्पो F11 Pro का अनबॉक्सिंग। डिवाइस को यूज़ करने के बाद बस मैं यही बोलूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ओप्पो ने मुझे 4-5 हज़ार रुपये से ठग लिया। कहने का मतलब डिवाइस 20 हज़ार रुपये तक की रेंज का ठीक है, 25 हज़ार या 24,990 रुपये जो भी है वो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है इस डिवाइस के लिए। बाकी का आपके सोचते इस डिवाइस के बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।